डॉक्टर सरोज कुमारी है। मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी पीएचडी इन बायोमेडिकल साइंसेज किया। उसके बाद मैंने पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च एनआईआई से किया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। एंड एक्चुअली मैं कैंसर और इन्फेक्शन पे काम करती हूँ। मैं मेडिकल डॉक्टर नहीं, लेकिन मैं बायोमेडिकल साइंटिस्ट हूँ और कैंसर और इन्फेक्शन पर रिसर्च करती हूँ। और मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं एंटी कैंसर ड्रग्स बना सकूँ। अभी मैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में विजिटिंग फैकल्टी वर्क करती हूँ और बायोकेमिस्ट्री एंड बायोटेक्नोलॉजी की क्लासेस लेती हूँ, जहाँ पर मैं बीएड, बीटेक, एमटेक और एमबीए की क्लासेस लेती हूँ। कुछ ऐसा ही हादसा मेरे साथ तब हुआ जब मैं एक इंटरव्यू देने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में गई। एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने 6 न्यू एम्स बनाए थे, तो कुछ इंटरव्यू में मुझे एक ऐसी कैटेगरी को लेकर इंसर्ट की गई थी। मुझे ये बोला गया था कि आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल नहीं हैं, जबकि मेरे पास एलिजिबिलिटी प्लस उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस था जो कि उनकी रिक्वायरमेंट थी। और मुझे इंसल्ट करके उन्होंने बोला कि यू आर नॉट सपोज टू गिव दिस इंटरव्यू बिकॉज यू आर ऐसी कैटेगरी कैंडिडेट, सो यू लीव दिस इंटरव्यू रूम। एक्चुअली मैं नाम लेना चाहूँ उस प्रोफेसर का, तो उन प्रोफेसर की इंसल्ट होगी। वो एक बहुत बड़े पोस्ट पर बैठे हैं और आप शायद वहाँ हैं या नहीं हैं ये मैं नहीं जानती, लेकिन उन्होंने मुझे ये कहकर मुझे इंटरव्यू देने से मना कर दिया। जिसके बाद मैंने उनको अपना लेटर दिखाया कि यस, मिनिस्ट्री हैज कॉल्ड मी फॉर दिस इंटरव्यू, सो आई हैव टू गिव दिस इंटरव्यू एंड यू आर नॉट सपोज टू स्टॉप मी हियर। और मैंने जो इंटरव्यू दिया वो उन्होंने इररिलेवेंट ढंग से मेरा इंटरव्यू दिया। उन्होंने मुझे सेकेंड इंटरव्यू के लिए भी बुलाया और उसमें भी मुझे मेरे साथ इंसल्ट ही उन्होंने मुझे मेरी करनी थी। मुझे पता था कि ये पोस्ट तो मुझे नहीं देंगे, डेफिनेटली मुझे पता चल गया था उस दिन कि ये पोस्ट मुझे नहीं देना चाहते। तो ठीक है, हुआ। थर्ड इंटरव्यू में भी उन्होंने ऐसा ही किया। उन्होंने 3-4 इंटरव्यू में मुझे बुलाया, सिर्फ इंसल्ट करने के लिए बुलाया था। तब एक कोर्ट केस किया गया, जिसका कोर्ट केस में भी मेरे फेवर में ही उसका रिजल्ट आया। तो हुआ ये कि उन्होंने उस कोर्ट केस को भी ओवे नहीं किया। फाइनली मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे रिजर्वेशन रोस्टर बता दीजिए। द मेन थिंग इज आई मेड द रिजर्वेशन रोस्टर। तो उनका रिप्लाई यह था कि वी हैव नॉट प्रिपेयर्ड एनी रिजर्वेशन रोस्टर एंड वी कांट गिव यू द रोस्टर। तब मैंने उनको कहा कि विदाउट रिक्रूटमेंट रोस्टर और विदाउट रिजर्वेशन रोस्टर दिस रिक्रूटमेंट इज टोटली रॉन्ग, सो दिस शुड बी क्वैश्ड। तब उनका कहना था कि हम इसे क्वैश्ड नहीं कर सकते क्योंकि इसमें 600 या 700 कैंडिडेट का भविष्य अटक जाएगा। तो मुझे सिर्फ रिजर्वेशन रोस्टर चाहिए, मुझे ये नहीं पता कि आपके 600-700 कैंडिडेट्स का क्या होगा, मुझे सिर्फ आप रिजर्वेशन रोस्टर बता दीजिए। तो उसमें जो है मेरे अकॉर्डिंग कैलकुलेशन के अनुसार 50 से भी ज़्यादा सीट होती है, लेकिन उन्होंने एक भी रिजर्वेशन वाली सीट अब तक नहीं दी है और ना ही उन्होंने मुझे बताया है कि रिजर्वेशन डॉक्टर ने। तो दिस केस आप उनका नाम बताएं। नाम मैं बल्कि मुझे ना इंटर काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में हूँ मैं और स्टाफ बना दिया है वहाँ पर, और मुझे नाम बताया उस डॉक्टर का प्लीज। तो ये भी है हमारे साथी, एक्चुअली एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, ये ऐसे कोई बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में। मैं आपको बता दी, उनको लेकर के आगे बढ़ेंगे मैडम, गुड मिल है प्लीज। Taken this seniority and with
बट उनका जो है वो लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो मुझे बस वहाँ पर एससी और एसटी की जो रिजर्व सीट है उनके बारे में मैं इंटरेस्टेड हूँ, दैट्स द मेन थिंग। तो मैं इस लड़ाई को मतलब जो भी है चल रही है अभी आगे भी चलती रहेगी, लेट्स सी व्हाट हैपन। बट वी ऑल आर विद यू, यू आर नॉट अलोन।